हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यानी आपके यूट्यूब चैनल महावर एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक नया प्रोजेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जर है 12 वोल्ट का, तो इसको अपन चेक भी करेंगे। और ये जो LED लेके आया हूँ मैं फ्रेंड्स, ये पड़ी है मुझे 200 रुपये की। तो फ्रेंड्स, पहले तो अपन चार्जर के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो LED है वो 12 वोल्ट पर वर्क करती है। ये फ्रेंड्स RGB LED है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर दिया है और इसके चार्जर के वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसकी लीड है, इसका बीच का प्लस का पॉइंट होता है और बाहर वाला माइनस का। फ्रेंड्स, इसके वोल्टेज आ रहे हैं 12.31, मतलब कि फ्रेंड्स 12 वोल्ट के आसपास ही आ रहे हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो ये चार्जर सही है इसके लिए, क्योंकि जब LED में लेने गया था तो मुझे चार्जर नहीं मिला था फ्रेंड्स, मैंने ये अलग से परचेज किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये फ्रेंड्स इसका सेंसर है, जिससे कि रिमोट काम करता है। और ये इसके कनेक्टर है फ्रेंड्स, इस पे जो ये तीर का निशान बना हुआ है इसकी चौक पर, और ये जो LED पे तीर का निशान बना हुआ है, ये दोनों एक साथ आमने सामने लगने चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये LED ख़राब हो सकती है। शॉप वाले ने मुझे बोला था। तो फ्रेंड्स, अपन जो ये जो कनेक्टर है इनको हटाए देंगे आगे वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तीर आमने सामने रहेंगे जब भी ये चलेगी, नहीं तो ख़राब हो सकती है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ LED और इसकी चौक को। तो अपन फ्रेंड्स इसमें थोड़ा अपडेट करेंगे इसको, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको चौक को खोल लेते हैं पहले अपन। ये देखिए, क्योंकि इसमें कोई नट बोल्ट नहीं लगा हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जैसे तार जुड़े हुए हैं वैसे ही जोड़ने हैं आपको, अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हो तो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीर के सामने वाले तार हैं उनको वैसे ही उसमें जोड़ना है फ्रेंड्स, एक तार को हटाना, एक तार को जोड़ना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने इधर उधर जोड़ दिए उनको तो ये रिमोट काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको अपन जोड़ेंगे इसमें, चलिए अपन इसको जोड़ के लाते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें वाइट वाला तार है, ये वाइट वाला तार ब्लैक तार में गया है, तो इसको वाइट को ब्लैक में लगाएंगे। और जो ग्रीन तार है, ग्रीन तार ग्रीन में गया है, तो इसको अपन वहाँ पे ग्रीन में लगाएंगे। और जो तार रेड तार है अपना, रेड तार अपना ब्लू में गया है, तो ये अपन रेड को ब्लू में लगा देंगे। और जो ब्लैक तार है वो रेड में गया है फ्रेंड्स, तो अपन इसको रेड में लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और बाकी आप देख लेना आगे कनेक्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कनेक्टर फ्री कर दिया है मैंने। ये देखिए, ये जोड़ दिए फ्रेंड्स मैंने पूरी तरीके से, एक एक तार को हटाया, एक एक तार को लगाया फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक भी आगे पीछे हो गया तो काम नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वर्क कर रही है ये। अब रिमोट से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये रेड, ग्रीन, ब्लू और बाकी ऑरेंज, और आप फ्रेंड्स देख ही सकते हो कलर, ये इसमें सारे कलर चलेंगे फ्रेंड्स सिंगल। ये इसमें डाउन होंगे कलर स्मूथली। ये अपन को फ्रेंड्स एक केसिंग कैपिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उसमें इसका अहम रोल है फ्रेंड्स। ये मुझे 30 रुपये की पड़ी है। इसकी लेंथ मैं बता देता हूँ आपको, इसकी जो चौड़ाई है 20 mm है फ्रेंड्स। तो इसका अपन ये आगे का कवर हटाएंगे पहले तो, और जो बड़ा कवर होता है उसको काम में लेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई रखेंगे अपन, वो लंबाई रखेंगे फ्रेंड्स ये LED के हिसाब से। इस LED को अपन ने मोड़ दिया है फ्रेंड्स,
ताकि सिंगल में तो क्या है ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आएगी, डबल में ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी। तो इसमें फ्रेंड्स टेप लगा हुआ था पीछे, इस टेप को अपन लगाएंगे इसमें। और फ्रेंड्स मैंने कलर कोडिंग के हिसाब से इसको चिपकाइए, क्योंकि जिस तरह कलर जुड़ेंगे इसके वैसे ही मैंने इसको इस पट्टी में लगाया पेन। ये देखिए, ये देखिए पेन। इस काम को आपको आराम से टाइम लगा के करना है, क्योंकि अगर ये गलत जुड़ी, एक के ऊपर एक जुड़ गई तो फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए पेन, ये पूरा चिपका दिया मैंने। मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा अच्छी तरह चिपकाया फ्रेंड्स मैंने। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बैकग्राउंड में मेरे सामान पड़े हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ उसको। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से आगे जा रही है एलईडी चलती हुई, तो एक तरफ से पीछे आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अपना ब्लू, ये ऑरेंज, बाकी जो भी अपने रिमोट के अंदर है वो सब चलेंगे फ्रेंड्स। अब इसके लिए अपन एक बॉक्स है इसका, ये जो इसका बॉक्स आया था फ्रेंड, इसी में इसको फिट कर देंगे वापस से, क्योंकि फ्रेंड्स इनको अपन खुले नहीं छोड़ सकते वायरों को। कोई पानी वगैरह गिर गया तो ये पूरी एलईडी खराब हो सकती है फ्रेंड्स। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और ये मैंने फिल्म शीट लेके आया था मैं फ्रेंड्स, इसको मैंने काट के रख रखी है, क्योंकि इसको काटने में बहुत टाइम लगा था, इसलिए फ्रेंड्स माफ़ करना, इसको मैं कैमरे के सामने नहीं दिखा पाया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागा लपेट रखा है इसमें। ये फ्रेंड्स मेरी एलईडी के हिसाब से पूरी नहीं मिली, इसलिए मैंने इनको दो टुकड़ों में लिया फ्रेंड्स। और इसकी मैं चौड़ाई बता देता हूँ आपको, इसकी चौड़ाई है फ्रेंड्स 72 mm। तो फ्रेंड्स इसका पूरा मेजरमेंट हम mm में चलाएंगे, तो 25 mm तो साइड में लेंगे और 25 mm दूसरी साइड लेंगे, और बीच में फ्रेंड्स 20 mm लेंगे अपन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ आएगा 25 mm, उसकी दूसरी तरफ आएगा 25 mm। ये देखिए फ्रेंड्स 25 mm और ये 25 mm, दोनों तरफ 25 mm लेंगे और बीच में 20 mm, तो फ्रेंड्स ये प्लस होके 70 mm हो जाएगा। तो इसको मैंने उसी हिसाब से काटा है फ्रेंड्स। अब इसको मोड़ के लाते हैं। इसको मोड़ने में फ्रेंड्स बहुत, ये मुड़ती नहीं है जल्दी से, इसको मोड़ने के अंदर बहुत टाइम लगा है। ये दो पीस तैयार करे मैंने मोड़ के, अब इन पीसों को इसके ऊपर चिपकाएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देता हूँ कितना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2.5 cm है 25 mm, और ये 20 mm 2 cm बीच वाला जो है अपना, ये भी 25 mm है अपना, और जो बीच वाला केसिंग कैपिंग का हिस्सा है वो 20 mm होएगा फ्रेंड्स 2 cm। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर मुझसे बोलने में थोड़ी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो उखड़ रही है अभी, क्योंकि इसके टेप में इतनी ताकत नहीं है कि इसको रोक सके, तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें अपन लगाएंगे ग्लूगन, जिससे कि इसकी ब्राइटनेस भी नहीं रुकेगी और ये चिपक भी जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें यहाँ पे भी लगा दिए और इसके नीचे भी लगा दिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी डिब्बी है इसकी, इसके नीचे भी भर दिए मैंने ग्लूगन फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी भरी हुई है नीचे से, और इसके दूसरे तरफ से फ्रेंड्स वो क्या है, मुड़ा हुआ था हिस्सा, तो वो बार बार उठ रहा था, तो मैंने इसको भी दबा के और इसमें भी भर दिए फ्रेंड्स।
अब इसके ऊपर अपन ये फिल्म शीट लगाएंगे। ये फिल्म शीट फ्रेंड्स मुझे किलो के हिसाब से मिली है, तो आपके यहाँ पे कैसे मिलती है आप देख लेना। मैं तो 60 रुपए की लाया था, तो इसमें मेरे जरा सी काम आई। 3 hours later ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको तैयार कर दिया है पूरा लगा के। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसका केसिंग कैपिंग का, वो भी हटा दिया है। और ये सेंसर को फ्रेंड्स मैं अभी चिपका दूंगा। इसको चिपकाने में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें देखो सल आ रहे हैं, तो वो सल गए नहीं फ्रेंड्स। मैंने कितनी मेहनत करी फिर भी इसको मोड़ते हैं तो ये आगे से छूट जाती है फ्रेंड्स, इसलिए ये सल तो रहेंगे ही इसमें। और बाकी आप सफाई से करना काम अगर आप इसको बनाते हो तो। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी चिपका दी है मैंने इसको। अब फ्रेंड्स इसमें ये जो खाली हिस्सा है इसको भी पैक करेंगे अपन। तो फ्रेंड्स पैक करने के लिए अपन एक पीवीसी पाइप की शीट ले लेंगे, छोटी सी ये वाली ले लेंगे फ्रेंड्स। इसके जो ढक्कन है वो बना देंगे फ्रेंड्स इससे। ये देखिए फ्रेंड्स इसके हिसाब से इसको काट के और इस पर चिपका देंगे फ्रेंड्स। अगर फिर भी अगर सही सीधा नहीं चिपके ये, तो इसको हीट गन से हीट करके चिपका देना फ्रेंड्स, क्योंकि ये एकदम सीधा तो रहेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भी लगा दिया एक टुकड़ा, और ये सेंसर को चिपका दिया फ्रेंड्स मैंने इस पर, क्योंकि ये नीचे लटकेगा तो रिमोट का कमांड अच्छी तरह पकड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हीट गन की सहायता चिपकाया इसको, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा था। ये अपन इसकी रिमोट की टेस्टिंग करेंगे अब। ये मैंने लगा दिया फ्रेंड्स, देखिए इसकी ब्राइटनेस। अभी मैं लाइट को डाउन करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि घर के अंदर कितनी अच्छी लगती है ये। यहाँ से ये ऑफ हो जाएगी, यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये ऑरेंज कलर, ये आसमानी कलर, और बाकी फ्रेंड्स इसमें जो जो कलर है वो आप देख लेना फ्रेंड्स। ये येलो कलर, ये आसमानी कलर, बाकी सब है इसमें। ये वाइट कलर इसमें फ्रेंड्स सारे सिंगल कलर चलेंगे, और ये वाले में स्मूथली चलेंगे सारे कलर। इसके जो रिमोट है उसमें काफ़ी मोड है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको इसको दीवार पे लगा कर भी दिखाऊंगा कि इसकी ब्राइटनेस कैसी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसके डाउन भी कर सकते हो आप। अगर आपको कम लाइट चाहिए तो इसको डाउन कर लो, अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो इसको अप कर लो फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये बिल्कुल लो जो हो चुकी है। अभी ये इसका ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स में। ये देखिए फ्रेंड्स ये फुल हो चुकी है इसकी ब्राइटनेस, ये बंद हो गई, चालू भी हो गई है इसकी। अब फ्रेंड्स आपको टेस्टिंग करा देता हूँ इसकी। ये देखिए मैंने दो हमारे एंगल लग रही थी दीवार में उस पर रख दिया है इसको। अब मैं लाइट बंद करके टेस्ट कराऊंगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स ब्राइटनेस देखो आप इसकी। फ़ोटोशूट के लिए फ्रेंड्स बहुत प्यारी चीज़ है ये। अगर आपको फ़ोटोशूट करना है अलग अलग लाइट के अंदर, तो इसको सामने रख के आप कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो हमने इसकी जो डिब्बी लगाई थी वो भी फ्रेंड्स इसी के अंदर है, मगर वो अंधेरे में दिख रही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कि उसको बॉक्स के अंदर डालूं या ऐसे ही वो सही है। देखिए फ्रेंड्स उस कोने पे लगी हुई है, दूसरे कोने पे। और फ्रेंड्स अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करना फ्रेंड्स। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? देखिए फ्रेंड्स ये रही वो डिब्बी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लाइट जलाई जब दिखी है ये। थैंक यू फ्रेंड्स, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।